24 मार्च को रात के 8 बजे प्रधानमंत्री 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा करते हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा, 3 सप्ताह का होगा। 130 करोड़ लोगों को 4 घंटे से भी कम का समय दिया गया। करीब 10 करोड़ प्रवासी मजदूरों को बिना खाना पानी के जीने के लिए छोड़ दिया गया। भाजपा सरकार के पास ना तो गरीबों के लिए कोई प्लानिंग थी और ना ही दिहाड़ी मजदूरों और बेघरों के लिए। कोरोना के अलावा दुर्घटना और अन्य कारणों से 400 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान चली गई। 100 से ज्यादा मौतें तो सिर्फ पैदल सड़क और रेल ट्रैक पर चलते लोगों की हुई। लॉकडाउन 3 बार बढ़ाया गया। कोरोना संक्रमण और मरने वालों की संख्या अभी चरम पर है। लॉकडाउन के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 5,500 मौतें हो चुकी हैं। मोदी के गुजरात मॉडल की हकीकत भी सामने है। गुजरात में अब तक 16,000 से ज्यादा केस हैं और 1,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगभग 76 पर आ गई है। 2020-21 के लिए GDP का अनुमान 0% है। लॉकडाउन में 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं, जबकि कोरोना से पहले ही भारत में बेरोजगारी 45 सालों से सबसे ज्यादा थी। सिर्फ अप्रैल में 1.2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां खत्म हुई हैं। बिखरी अर्थव्यवस्था, खत्म होती जिंदगी, झूठे वादे, क्या यही है अच्छे दिन जिनका वादा था